गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 3 इंग्लिश 2 यूनिट नंबर 16 टेंसेस पार्ट नंबर 4। ठीक है, ओके। लास्ट पार्ट में हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के तीन के हम पार्ट बनाए थे और तीनों एक सेंटेंस को हम तीनों में लिखे थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी लिखा था, पास्ट में भी लिखा था और फ्यूचर में भी लिखा था। वो अभी हमारा लिखना इनकम्प्लीट था। ठीक है, तो आज हम उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज भी देखेंगे। ठीक है, चलो मेरे साथ लिखो सब लोग।
Now next. उसके नीचे यहाँ जो मैं लिखूँ वो लिखो और उसके नीचे वो फ्यूचर वाला
आपको लिखना है, ठीक है? लिखो आई बी 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 का पास्ट टेंस बी बी ही होता है, आई बी, ठीक है? अब आई के साथ हम फ्यूचर में क्या लेते हैं, शेल, तो लिखेंगे आई शेल बी। बिल्कुल इजी है ये, लिखो मेरे साथ आई शेल बी। अब लिखेंगे बी सेकंड वे बी रीड, बी रीड, रीड का पास्ट टेंस वही होता है रीड, तो उसका फ्यूचर बी शेल बी। ये तीनों के तीनों के नीचे एक ही लिखना है, बिल्कुल क्रॉस ना हो ऐसा देखो आप लोग, लिखो दे, दे कट, कट का पास्ट टेंस कट ही होता है दे कट, और यहां दे विल कट, ठीक है? Walk, we hit, hit का past tense hit ही होता है, we hit, और future we shall hit। लिखो we hit, we hit, we shall hit। Six,
नंबर वन अगर आपका कुछ लिखना बाकी रह जाए तो आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ वी मूव टू द एक्सरसाइज नंबर वन। ये सारे सेंटेंसेस है हमें पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने हैं, जैसे हम यहां करते थे वैसे ही। राइट डाउन द इंस्ट्रक्शन। टर्न द फॉलोइंग दीज सेंटेंसेस इनटू द पास्ट टेंस, यानी कि हमें ये सारे सेंटेंस पास्ट टेंस में हमें कन्वर्ट करने हैं। फर्स्ट सेंटेंस, सीता सिंग्स स्वीटली। चलो हमने यहाँ ऐसा किया था सीता सिंह, तो उसका पास्ट टेंस लिखा लिखा था सीता सेन, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, पीछे वाला वर्ड हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे। देखो सीता सिंह का पास्ट टेंस होगा सेन, सीता सेन स्वीटली, ठीक है। चलो लिखो मेरे साथ, सीता सेंग स्वीटली। नेक्स्ट वन, द डॉग लाइज ऑन द फ्लोर। द डॉग लाइज ऑन द फ्लोर, यानी कि जो कुत्ता है वो डॉग है वो फ्लोर पे बैठा हुआ है। तो लाइज का पार्ट क्या होगा, ले, पार्ट टेंस होगा ले। मैंने बोला था सब्जेक्ट हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे। द डॉग और लाइज, लाइज का पार्ट टेंस होगा ले, ले। और ऑब्जेक्ट भी हम वैसा का वैसा वैसा ही लिखेंगे, ऑन द फ्लोर। तो सब लोग समझे इतना, हमने चेंज कहा क्लासेस वर्ब में ही चेंज कर रहे हैं। यहाँ भी हमने वर्ब भी चेंज किया, यहाँ भी वर्ब भी चेंज किया, तो टेंस में सिर्फ हमें वर्ब ही चेंज करना होता है। तो अब तक हमने कितने सारे ये वर्ब हमने साथ में चेंज किए हैं, तो वो आपको याद भी रखना है और ये चेंज करना है। जैसे कि एल आई ई एस लाइज, एल ए वाई लाइज, वैसे ही थर्ड, द विंड ब्लोज। तो दोबीन क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम वैसा ही लिखते हैं, दोबीन, ठीक है। अब ब्लो, तो ब्लो का पास्ट टेंस होता है ब्लू, दोबीन ब्लू, ठीक है। लिखो दोबीन ब्लू, the wind blows, तो ब्लो का पास्ट टेंस हुआ ब्लू। लिखो द विंड ब्लू। फोर्थ है, इतना लिख लो, लिखो वीडियो में कितना लिखो फोर्थ। चलो सब लोग लिख लो इतना।
words fly in the air. चलो अब fly है, fly का past tense क्या होगा? Flew. The words fly का होगा flew. बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसा ही हम नीचे लिखेंगे. तो एयर क्या चेंज किया? सिर्फ वर्ब चेंज किया. फ्लाई का क्या लिखा? फ्लू. द बर्ड फ्लाई इन द एयर, द बर्ड फ्लू इन द एयर. बिल्कुल सिंपल है. नेक्स्ट सेंटेंस फिफ्थ, द डॉग बाइट्स द पेपर. द डॉग तो क्या चेंज करेंगे? सिर्फ यही सब्जेक्ट तो वैसा का वैसा ही लिखेंगे. द डो यहाँ भी द डो है, यहाँ भी द डो. बाय सॉ बी आई टी सिर्फ बी. बाय का पास चेंज होगा बी. द डो पी द बेगर. The dog beat the beggar. Sixth sentence. I forget keys. I forget his name. I forget his name. चलो अभी हमने लिखा था forget का past tense क्या होता है? याद करो. I forget. Forget का past tense forgot. I forgot, forget, इसका पास्ट टेंस forgot, his name. ठीक है? चलो देखो. The birds fly in the air. चेंज किया fly का flew. The birds flew in the air. वैसे ही. The dog bites the paper. तो उसका पास्ट टेंस the dog, वैसा का वैसा bites the, उसका bee, the beggar. ठीक है? यहाँ I forget his name. I वैसा का वैसा forget का क्या किया? Forgot. His name, his name. तो हमें सिर्फ verb ही चेंज करना है सब जगह पर. ठीक है? तो चलो यहाँ तक लिख लो.